रीवा से है, जहां आयुर्वेदिक छात्रों को CPI से जोड़ने, नवीन पदों को सृजित करने के साथ ही 5 सूत्री मांगों को लेकर समस्त आयुर्वेद छात्र संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। हड़ताल पर जाने के पहले छात्रों ने रैली निकाली। उन्होंने बताया कि वो आयुक्त कार्यालय होते हुए कमिश्नर कार्यालय जाएंगे और उसके बाद कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। आइए दिखाते हैं किस तरह से आयुर्वेद छात्रों ने रैली निकाली और सुनाते हैं उनकी क्या मांगे हैं। आज का दिन हो रहा है, जब जब छात्र बोला है, राष्ट्र का दिन हो रहा है, जब जब छात्र बोला है, राष्ट्र का दिन हो रहा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, हम अपना अधिकार मांगते हैं, जय 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 जिंदाबाद, जब छात्र बोला है, राष्ट्र का दिन हो रहा है। काम करते हैं फिर भी इसका भेदभाव सरकार के मामले में होता है। दूसरी बात यह है कि हाईकोर्ट का ऑर्डर भी हमारा खराब नहीं है। निकालिए क्या हमारे पास पूरे मांगों को लेकर हम कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार कई दिनों से हम हड़ताल पर बैठे, लेकिन हमें कोई सरकार की तरफ से सही जवाब आश्वासन नहीं मिलता रहा है। उसी के समय में आज हम रैली निकाल रहे हैं। यहाँ से हम आयुक्त कार्यालय जाएंगे और उसके बाद हम कमिश्नर ऑफिस जाएंगे। आपके मुख्य मांगे क्या हैं, कितनी मांगे हैं आपकी? 5 मांगे हैं। उसमें से पहली मांग हमारी ये है कि जो हमारा स्टाइपेंड है वो एलोपैथी के समकक्ष किया जाए और उसको CPI से जोड़ा जाए। उसके अलावा हमारी मांग है कि जो PSC के पास है 10 सालों में आती है हमारी PSC, तो वो हर साल निकाली जाए। और जो PSC निकाली भी गई है तो उसमें 15% मार्क्स NRS वालों को और RTS के वालों को एक्स्ट्रा दिया जा रहा है बोनस के तौर पर। तो हमारी मांग है कि उस आदमी को वापस दिया जाए, खत्म हो गया है जो बेरोजगारी रह जाएगी, इसलिए हम ये चाहते हैं कि 15% को हटाया जाए। उसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारा जो MPMSC वो यूनिवर्सिटी है उसको अलग किया जाए, हमारा आयुष की अलग सी यूनिवर्सिटी बनाई जाए, क्योंकि MPMSC कोई काम समय पर नहीं करती है, एग्जाम समय पर नहीं करा पाती है। उसके अलावा जो एलोपैथी मतलब जो आकस्मिक चिकित्सा का अधिकार है वो हमको दिया जाए, ये हमारी मांग है। और जो 1000 शौचालय को खोलने की बात की गई थी, उसमें से भी 148 ही खुले हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो सारे शौचालय खोले जाए और निरंतर कदम उठाए। आपका नाम बता दीजिए। डॉक्टर क्या बोलना क्या रैली कर रहे हैं? हमारी पहली जो मांग है वो स्टाफमेंट को लिए यही बोलना है। स्टाफ हॉस्पिटल जो स्टूडेंट का स्टाफ है ये तो बेटी है, उसमें 2018 में एक जो रेडी दी गई थी उसके अंदर हाईकोर्ट ने बराबर कर दिया, लेकिन अभी मध्य सरकार ने इसको लागू नहीं किया। दूसरी जो हमारी खड़े मांग है उसमें जो पदस्थ हैं उनको 15% हटा दिया जा रहा है, जो कि असंवैधानिक है, उसको हटाया जाए। आज के परिप्रेक्ष्य में अन्य राज्यों में भी PSC आई है, लेकिन वहाँ पर दो अंक पर ईयर के हिसाब से दिया जा रहा है, जो मैक्सिमम 10 अंक है, लेकिन मध्य प्रदेश में 15% दिया जा रहा है, जो कि 67 नंबर होता है और 67 नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तीसरी जो हमारी मांग है उसमें जनसंकल्प योजना 2013 के तहत ज्ञापन कहा था अपनी 5 सूत्री मांगों लेकर कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे, लेकिन सरकार के सर कोई भी ध्यान नहीं है। स्वयं अपनी सभी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए अपनी रैली निकाल के संभाग कार्यालय संभाग आयुक्त जी को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। आयुक्त एंड कलेक्ट्रेट पर अपना ज्ञापन सौंपने के लिए जा रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम है डॉक्टर गौरव कुशवाहा। हमारी पहली मांग है कि जो मतलब स्टाइपेंड है शिक्षावृत्ति है वो एलोपैथी के समकक्ष नहीं है, इंटर्न हो चाहे ऑफिशियन हो या फिर अपना ये PG स्कॉलर हो, इनकी स्टाइपेंड बिल्कुल बराबर नहीं है, बहुत ज़्यादा अंतर है। हम चाहते हैं गवर्नमेंट उनके और हमको एक समान रखे, भेदभाव बिल्कुल ना करे। दूसरी डिमांड हमारी है जो PSC हो रही है, हमारे में बहुत अनियमितताएँ हैं। पहली बार 1989 में आई थी, उसके बाद 2013 में आई थी, उसके बाद अभी 2022 में आई है।
2022 में जो आई है उसमें एक दिक्कत यह हो गई कि जो अपना एनआरएचएम है संविदा कर्मी है उनको जो है तो 15% का अनावश्यक असंवैधानिक रूप से लाभ दिया जा रहा है जो कि अनुचित है। हम ये चाहते हैं कि इस मांग को वो मतलब वापस ले लें आदेश को और उस पीएससी को जो है तो 15% कन्वर्ट कराएँ। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि जो जनसंपर्क 2013 में सीएम ने कहा था कि आयुष के 1000 नए अस्पताल बनवाएंगे, अभी तक 148 बन पाए हैं तो बाकी उन पर विचार करके उनको बनवाएं। चौथा हमारा ये है कि जो यूनिवर्सिटी है हमारी आयुष की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके कारण क्या हो रहा है कि हमारे जो एग्जाम है वो डिले हो रहे हैं। हमारा कुल 4.5 वर्ष का जो कि 7 साल में 8 साल हो रहा है। हम चाहते हैं आयुष को एक पृथक यूनिवर्सिटी प्रदान की जाए। और पाँचवीं डिमांड ये है कि हमारी आपातकालीन जो चिकित्सा है वो हमको भी दी जाए क्योंकि हमारे क्या होता है कि पेशेंट आता है बहुत इमरजेंसी में आता है लेकिन हमारे पास वो आदेश हमको नहीं है कि हम उसका ट्रीटमेंट कर सकें और हम उसको रेफर करते हैं। रेफर करने दौरान हो सकता है उसका कोई दुर्घटना हो जाए तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार रहती है। सरकार से ये आदेश हमको जो तो एलोपैथी कुछ ट्रीटमेंट दवाई हमको उपयोग करने के लिए थे। हम महाराष्ट्र में है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, हर जगह पे है। शासन से अभी तक हमारी कोई बातें नहीं बनी है। जब भी बात होती है सिर्फ वो आश्वासन नहीं देते हैं, लिखित में कोई बात नहीं बोल रहे हैं। आश्वासन भी इतना उचित नहीं देते, स्पष्ट रूप से बोल नहीं रहे, बस थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। आज हम लगभग 7वां दिन है हमारा और 6 दिन से कंटिन्यू कहीं ना कहीं ज्ञापन दे रहे हैं। हमने रिया विधायक को दिया, माननीय सांसद जी को दिया, विधानसभा अध्यक्ष से मीटिंग करी है। अभी कल ही उज्जैन पर सीएम को ज्ञापन दिया गया है, आयुष मंत्री को ज्ञापन दे दिए गए हैं। अपने अपने क्षेत्र में मतलब पूरे प्रदेश व्यापी क्षेत्र चल रहा है आंदोलन, हर जगह ज्ञापन भी दे दिया है, मंत्री मीटिंग कर ली है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई बात नहीं हुई है और हमारा ये धरना जो है अभी जारी है और जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं होगी। आज किसके नाम ज्ञापन दे रहे हैं? आज हम यहाँ पे एक आयुष महोदय के यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे ज्ञापन देंगे। इसके उपरांत हम जाएंगे कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर बैंक होजा एमडी स्कॉलर। खुल गया खुल गया खुल गया, मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।